भागलपुर में आम निर्वाचन 2024 की मतगणना समाप्त हो गई। भागलपुर में मुख्य रूप से एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा के बीच कांटे की टक्कर चल रही थी। उतार चढ़ाव होते रहे, लेकिन अंततः एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल तकरीबन 1,00,000 वोट से जीत गए। यह उनकी जीत दूसरी जीत है। वहीं अजय मंडल के समर्थकों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयां बांटी और शुभकामनाएं दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए अजय मंडल ने कहा कि मेरे बचे हुए सभी कार्य इस बार पूर्ण होंगे। साथ ही भागलपुर से हवाई जहाज उड़ने से लेकर कई बड़े मुद्दे भी जमीनी स्तर पर उतारे जाएंगे। अजय मंडल की जीत के साथ ही जश्न का माहौल हो गया और उनके समर्थक झूमते नाचते गाते नजर आए। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय घोष से पूरा पॉलिटेक्निक परिसर गूंजता रहा। और आखिरकार भागलपुर को नया सांसद मिल ही गया और नए सांसद के रूप में एक बार फिर से निवर्तमान सांसद अजय मंडल चुने गए हैं। जनता का विश्वास उनके ऊपर दिखा है और उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजीत शर्मा को मात दे दी है। पिछली बार उन्होंने राजद के प्रत्याशी बुल्लो मंडल को मात दी थी और इस बार उन्होंने महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी अजीत शर्मा को मात दे करके एक बार फिर से लोकसभा के सदन का जो सफ़र है वो अब तय कर लिया है। उनकी जीत पर जनता ने मुहर लगा दी है। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन इनकी इस जीत से कई चीज़ें स्पष्ट दिखी है। जो बहुत ऐसा चीज़ कहा जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है वो दिखते नहीं क्षेत्र में, लेकिन हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जो विरोधी हैं उन्हें हम नहीं दिखते हैं, बाकी आम लोगों के लिए हम काफ़ी सुलभ हैं और सबसे आसानी से लोग हमसे मिल सकते हैं। और उसका परिणाम आप देखिए कि जनता ने एक बार फिर से हमारे ऊपर विश्वास जतलाया है। वहीं अजीत शर्मा ने अपने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हम जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, जनता के इस फैसले को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। एनडीए के प्रत्याशी भागलपुर के अजय मंडल हैं, आप उनके चेहरे पर सीधी देख सकते हैं कि किस तरह से रंग अबीर गुलाल लगा हुआ है। की कहो अबत लगे छे जीतिए गेलो छे देखो जनता ही जीती गेले, हमरा जनता आशीर्वाद लेके जनता जीती गेले। दूसरा बार तो पहुंची गेलो संसद में, सब कह रहे कि बड़ा एंटी इनकम्बेंसी छे अजय मंडल का, कहीं दिखे नहीं छे, दर्शन नहीं होय छे, लेकिन तभी वोट तो तोरे पड़लो। देखो जोन जनता के नहीं है देखना छे, मैं कथिल देखते हमरा जो जनता हमरा आशीर्वाद दिलके, अब मैं फिरो आशीर्वाद दिलके जनता के मैं धन्यवाद दे छिए। अब जनता विरोधी के जो देखता है ये देखे सवाले नहीं होइ छे, विरोधी के तो दिखाइए नहीं, मैं आँख बंद करी के देखे छे, आँख बंद करके एकरो दिखाए पड़लो छे, मैं तो वह करे छे तो वह करलक है जे जनता के पूर्ण विश्वास। दूसरा बार तो चुनाव जीतलो छो, कहीं भी अजीत शर्मा बढ़त लेते हैं, हर विधानसभा में अजय मंडल कह रहे बड़ा इनका एंटी इनकम्बेंसी छे, उन्हें बड़ा रणनीति के रूप से चुनाव लड़ी रहो छे, लेकिन अजय मंडल आखिर कौन रणनीति अपने लो जे पूरा लोकल के विरोध में छे, वोट तो रे निकली। हमरो कोई रणनीति जनता सब जाने छे, जनता जानिए सब कुछ करे छे, जनता से जानकार कोई नहीं छे, जनता जाने लेके अजय मंडल इतना विकास करने छे फिरू विकास करते। अरे जे कमियां नौकर हो छे नी काम करे वाला उन तुरंत रखे जाए मालिकत, हमरो जनता के मालिक में रखी लगे जनता ने नौकर रखी लगे कहे छे। अभरी बार जे जीतलो तो चुनाव में एकरा जीत के श्रेय महिला बहुत वोट दिल तरह बढ़ी चढ़ी के महिला वर्ग के जे है ओकरा तोड़ नहीं पड़े विपक्ष सेंधमारी निकल के वो एकदम इंटैक्ट रहे, ओकरो पति अगर दिलके भी वोट दूसरा पार्टी के, लेकिन महिला ओकरो घर के तोड़े वोट दिल जाकर एकरो की राज। एक बात बता दे छियो, सतयुग के बाद द्वापर त्रेता के बाद कलयुगों में हमरो माननीय मुख्यमंत्री हमरो माननीय प्रधानमंत्री महिला के माता रा दर्जा नहीं नहीं दिलके, माता ने की मान लगे तो महिला भी बेटा ने की मान लगे बस वोट दे दिलके। तो काम करबो भरी अजय बाबू, अब तो सांसद बनिए गेलो निवर्तमान छेबे करलो अब बनी गेलो तो अब काम उम होते ना भागलपुर में। अच्छा कहिया हम जहिया से बन लिए कौन काम नहीं होले, हम तो काम करबे नहीं करलिए तबन जनता दोबरा के अपनों आशीर्वाद दिलके, अपनों नौकर चुनी लेके हमरा सेवक चुनी लेके
अच्छा, एगो बड़का मुद्दा छे भागलपुर के वास्ते, बहुत हल्ला होय छे, तहु ओकरा बहुत प्रयास करलो, हवाई जहाज उड़े एक बात कहे छे, अभरी तब जीती गेलो आ सरकारो लगभग बनते हैं डीए के, तब ई मानते लोग ना कि हवाईयो जहाज यहाँ से उड़ सकते, अजय मंडल एकरा में करते कोशिश अभरी 100% उड़ते, 2 सालों अंदर हवाई जहाज उड़ेबे, जनता रा आशीर्वाद छे, कहीं कमी नहीं हो छे, जनता उड़ा, जनता के लिए हवाई जहाज उड़ते, भागलपुर जिला से उड़ते। जे कुछ काम लोग कहे छे कि नहीं बड़ा बड़ा काम दिखना चाहिए, तो आब तो लोगों के की आश्वस्त करे छे, वो टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से की आश्वासन दे छे, वो एक सांसद के रूप में बताओ, फनु सांसद बनी गेलो, तो लोग के की आश्वासन देबो टीवी अंग प्रदेश के माध्यम से कि अब लोग के काम होते, लोग खोजिल तो आसानी से, जय मंडल का हमरा आसान केकरो खोजल, कोई सांसद तक खोज नहीं नहीं छे, जनता से तो पूछो जे हमरा से मिले छे कते आसानी से खोजे छे, चाहे रोडो में खोजी लिया, घरों में खोजी लिया, बाजारों में खोजी लिया, जहाँ नहीं खोजे छे वहाँ नहीं मिली जाए छे। जीत के श्रेय केकरा देबो, ई जे इतना भारी अंतर से फनु जीतलो जो, तो पिछला बेर 3.5 लाख अभरी लगभग लाख टपिए जेबो, तो केकरा जीत के श्रेय देबो अभरी? जीत के श्रेय जनता अपनो अच्छा नौकर चुनलकै, अगला बेरी हम काम कर लिए, नौकर कमे न करते भाई, सबका कमे न करते, तो काम तो करी देलिए, तो मैं काम जब जनता देखी लेलकै कि सबक कमियाँ छै, धान शुरू चुनि लेलकै, बस की लगे अभरी मंत्री उन्त्री बने छौ कुछ? देखो ई एकरा हम कोई अथी नहीं छै, हमरो आला कमान रो आदेश छै, हम आला कमान रो आदेश पाल छिए, जे आदेश देलकै एकदम खड़े रहो, जनता का एकदम काम करो, एकदम लगलो होलो छै, एकदम काम धकाधक करी कल के गंगोता में फूट गेलै, लेकिन अभी तोरा जेना वोट मिललो छै तऽ लगै छै गंगोता के अभियो सर्वमान्य नेता अब अजय मंडल छै। देखो नेता जाति हमरा मानै नहि छै, घरमे नेता आर साथ हमरा कमियाँ बच्चा मानै छै, तऽ अपनो बच्चा जब कमियाँ रहै छै, देखो तऽ समाजमे जे बेजरो बेटा कमियाँ रहितौ ओकरा फुल पैंटो जगह पर 2 फुल पैंट दे दै छै, जे नहि कमेलकौ ओकरा पैंटो नहि दै छै, तऽ हमर कमाइ छै तोरा 2 फुल पैंट दे देलकै। सब मंडल पर भारी, अजय मंडल पड़ी गेलै ने अभरी? नहि हम मंडलो भारी, मंडला हमरा पर भारी पड़लै, कहलकै कट फिरू खटल देलियौ तोरा, हमरा खटा रहलो छै, बैलो की खटबो आरो की करबो। की कहल चाहे छो जनता के, भागलपुर लोकसभा के जनता के बतरमे जिताय देलकौ, अब की कहल चाहे छो जनता से, जय मंडल की कहल चाहे छै? जनता के हमे सबको प्रणाम करै छियै, हुनका धन्यवाद दै छियै कि अपना फिरू हमरा दोबरा के हमरा कंधा पर पालो राखी देने छो, हम तोरो खेत जोतबो चाहे जैसा जोतबाय ले। यही इसलिए अजय मंडल कहलके फनु हमरा तो खेत दिल छो जोतै ले, कमियाँ छो कि हम तोरो और फनु हम काम करबो, इन्होंने साफ साफ कहलके अजय मंडल ने कि जनता ने हिनका एक बार फनु से अपना नौकर के रूप में चुनल छे, जनता के नौकर छिके और जनता ने फनु कहलके नए खेत तोरे अभरी करना छे, तो जनता के उम्मीदों पर खरा उतरबे आ जे भी काम बाकी छे भागलपुर लोकसभा में उ सब काम करबे, ई बात अजय मंडल ने कहलके, और पूरा हवाई जहाज के बात कहलके, हवाई जहाज भी 2 साल के अंदर भागलपुर से उड़ेबे और कोई रोका नहीं सकते, आ जितना काम पहले कर ले छे और जितना काम बचते उ सब काम करबे, जना लोग हमरा समर्थन दे छे वोट दे छे, यानी कि सब लोग ने बुझे छे कि हम कमियाँ छे, तो हम ही कमेबे और हमरा यहाँ के तमाम जनता के सेवा करते रहे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे
उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर भागलपुर में बरारी पॉलिटेक्निक में मतगणना कार्य चल रहा था, जिसमें अजीत शर्मा और अजय मंडल के बीच खासा टक्कर था। वहीं मतगणना समाप्त होने के बाद महागठबंधन के प्रत्याशी अजीत शर्मा भड़क गए। उन्होंने यूपी के लोगों को शिक्षित बताया, जबकि बिहार में लोगों को अशिक्षित करार दे दिया। अजीत शर्मा ने कहा कि यूपी के लोग शिक्षित है इसलिए इंडिया गठबंधन को वोट दे रहे हैं, जबकि बिहार नीतीश कुमार ने लोगों को अशिक्षित कर दिया है, यहाँ शिक्षा का स्तर गिरा दिया इसलिए लोग 5 किलो अनाज के चक्कर में एनडीए को वोट दे दिए। जबकि अजय मंडल ऐसे प्रत्याशी हैं जो कभी भी घर से नहीं निकलते, जनता तक कभी आते नहीं है। शिक्षा के मामले में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल शिक्षा किसी को नहीं दिया, जिसके चलते लोग शिक्षित नहीं है। वो 5 किलो अनाज के चक्कर में हमको लगता है कि मोदी जो दिए हैं उसमें लोगों को वोट दे दिए हैं, जो कि जनता बोली नहीं, लेकिन मुझे माहौल तो मेरे पक्ष में था। ऐसे निर्णय जनता का है उसको मैं सलाम करता हूँ। भाई मैं तो चुनाव लड़ा, जनता ये कह रही थी कि हम, मुझे दबाव था चुनाव लड़ने का, इसलिए कि विकास 5 वर्षों में नहीं हुआ। बोला कि विकास छोड़िए, कोई मिलने तक नहीं आए सांसद महोदय, उसके बाद भी उसकी जीत होती है, जो अभी गिनती में, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल होगा तो पता चले, लेकिन हमको लगता है कि वो जीतेंगे। और जनता इसको स्वीकार करे, भाई विकास अगर बोल रहे थे कि नहीं हुआ, फिर वोट दिए हैं तो वो सर्वोपरि है, मैं इनको सलाम करता हूँ। इंडिया का दावा था 400 पार, अब 300 भी नहीं पहुंचे। सर इंडिया गठबंधन की बात, वो क्या करेंगे इंडिया वाले लोग, अब तो सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, अब तो आखिरी दौर चल रहा है, आप देख रहे हैं बराबर का टक्कर है। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया गठबंधन बनेगा, और इंडिया गठबंधन अगर बन गई तो युवकों को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए काम होगा, गरीबों महिलाओं के लिए दिए जाएंगे, सब राहुल गांधी जी ने मैनिफेस्टो में दिया है इंडिया गठबंधन। मोदी जी का जादू 30-20 बार कम हो गया? नहीं, जादू तो कुछ भी नहीं है, वो 5 किलो अनाज में लगता है, तो शिक्षित लोगों ने वोट दे दिए, उन्होंने विकास की चिंता नहीं की, 5 किलो अनाज की ज्यादा चिंता की, लेकिन जनता को आगे के लिए सोचना होगा कि विकास कैसे होगा, किसानों की भलाई कैसे होगी, इंडस्ट्री कैसे लगेगी, एयरपोर्ट कैसे चालू होगा। भागलपुर में एयरपोर्ट चालू होने से, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगने से किसानों की तरक्की होगी, युवकों को रोजगार मिलेगा, और ये बुनकर जो सिल्क उद्योग पूरे विश्व में जाना जाता था वो आगे बढ़ेगा। अब जनता ने निर्णय लिया है तो हम तो उसको सलाम ही करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि जनता ने अगर उनको जिताया तो उनसे काम लें, एयरपोर्ट चालू कराएं, बुनकरों को देखें, किसानों को देखें, गरीब महिलाओं को देखें, युवकों को रोजगार दें। अगर नहीं देते हैं जनता उनको माफ नहीं करेगी। एनडीए की जीत के बाद ही भागलपुर में भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए हैं। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को जीत की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि देश की जनता ने फिर से भाजपा और एनडीए पर भरोसा जताया है, पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर अपना विश्वास जताया है, और देश के इतिहास में पहली बार और नेहरू जी के बाद तीसरी बार जो है पूर्ण सरकार बनाने का जो काम यहाँ के देश की जनता ने किया है, उसको हृदय से आभार प्रकट करने के लिए, उनको बधाई देने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। भाजपा परिवार के लोग विजय उत्सव मना रहे हैं, साथ ही भागलपुर में अजय मंडल जी को अजय व्यप बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने जो अपना आशीर्वाद दिया है उनको भी हम लोग आभार प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। 400 पार का नारा था, 400 पार हमारा लक्ष्य था, और लक्ष्य के अनुरूप जो विषय है वो उसके नज़दीक हम लोग पहुँचे हैं, और जो कमी रह गई होगी उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि जनता कहीं गुमराह हो पाई, क्या कमी रह पाई कि वह हम लोगों के इस विकास के नाम पर और जिस प्रकार सांस्कृतिक विरासत बनी है अपनी, जनता हमारे साथ क्यों और कमी रह गई, उस कमी को भी ढूंढेंगे, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।